हेलो क्लास इलेवेंथ, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू अवर सेम टॉपिक ऑन सेलुलर ऑर्गेनेलीज एंड दिस टाइम वी आर ऑन अ वेरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली। अब मैंने उसको स्पेशलाइज्ड क्यों बोला, उसके पीछे भी रीज़न है। तो चलो इस लेक्चर का जो क्वेश्चन है वो भी यही ले लेते हैं कि व्हाट इज सो स्पेशलाइज्ड अबाउट दिस ऑर्गेनेली ऐसे करके। ठीक है, चलो पहले तो ऑर्गेनेली का नाम ही वैसे तो आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा या फिर उसके टाइटल में भी देखा होगा, तो इट इज़ दिस राइबोसोम। ओके, अब राइबोसोम के बारे में तो आप ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आप पहले भी सुन चुके हैं कई बार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा। उसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स के अंदर भी ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हुए देखे। तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डेंस ऑर्गेनली है, डेंस के साथ साथ राउंडेड फॉर्म में रहती है, ग्रैन्यूलर फॉर्म में रहती है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो इस केस में एक एक्सेप्शन ले सकते हो आप, वो ये है कि इट इज अ मेम्ब्रेन लेस। दैट मीन्स अभी तक हमने जितनी भी ऑर्गेनेली पढ़ी थी सब कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली थी, है ना, किसी ना किसी मेम्ब्रेन से, इधर डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड थी। बट येस, दिस राइबोसोम इज नॉट बाउंडेड बाय एनी ऑफ द मेम्ब्रेन, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ दिस राइबोसोम। अब सबसे पहले डिस्कवर किसने किया वो भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट पैलेडे, पूरा नाम जॉर्ज पैलेडे, इन द ईयर 1955 अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये मैंने यहाँ पर इसलिए बोला क्योंकि कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे गॉल्गी बॉडी में तो उसका नाम, साइंटिस्ट का नाम जो है वो ऑर्गेनेली के नेम में ही आ जाता है, बट यहाँ पर नहीं आता, तो डू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, चलो जो स्पेशलाइज बात है वो थोड़ी बाद में करेंगे, पहले थोड़ी सी और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। दिस राइबोसोम, द नंबर डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर और द नंबर डिपेंड्स अपॉन द साइट वेयर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इट इज़ अगेन रिलेटेड टू द फंक्शन। और वही फंक्शन शायद उसकी स्पेशलिटी फीचर, शायद नहीं, उसकी स्पेशलिटी या जो वो फंक्शन जो है उसका, वही इसको उतना स्पेशलाइज्ड बनाता है। वो क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, बट हाँ अगर उससे देखो दो बार लिखते लिखते मैं घूम चुकी हूँ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, इसलिए क्योंकि अगर अभी तक आपने अच्छे से लेक्चर्स को विजिट किया है तो आपको उसका फंक्शन अभी तक समझ में आ गया होगा। और आपको जो आपकी नोटबुक है जहाँ पर भी आप नोट्स बनाते आ रहे हो, अब ये भी एक श्योर नहीं है बात कि शायद आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो, अगर नहीं बनाते हो तो मैंने बोला है आपसे कि आप अपनी आईडी भेज सकते हैं मेरे को, आई विल सेंड यू दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वहाँ पर आपको इसका आंसर लिख लेना चाहिए। तो डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन भी नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, बट हाँ साइट बोल सकते हैं, या डिपेंड्स अपॉन द एरिया वेयर दिस राइबोसोम्स आर स्पेशली लोकेटेड। सो दिस इज अबाउट द जनरल फीचर, जैसे कि ग्रोइंग मेमेलियन सेल में इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शन, तो दैट इज़ ऑल। अब ये जो राइबोसोम्स हैं वो दो तरीके से हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, एक तो मेम्ब्रेन के साथ बाउंड रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड के फॉर्म में रहेंगे या फिर फ्रीली भी एग्जिट कर सकते हैं इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये कुछ उसकी और स्पेशलाइज्ड फीचर्स या फिर उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी। अब ये जो हमारे राइबोसोम हैं वो दो सब यूनिट्स से मिलकर बने हुए होते हैं। दीज राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स, और ये जो दो सब यूनिट्स हैं वो वैसे ही नॉर्मली क्लासीफाई करते हैं हम स्मॉल और लार्ज। अब ये जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट है वो डिफर करती है अगेन किसके बेसिस पर, राइबोसोम्स के टाइप्स के बेसिस पर। राइबोसोम्स दो तरीके के या दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, और वो जो उनका टाइप है वो डिपेंड करता है या वो उसका जो बेसिस है वो है उसका सेडिमेंटेशन रेट का कोएफिशिएंट। दैट इज़ व्हाई दीज राइबोसोम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंगली। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, दैट आर, देखो हमने पहले की ऑर्गेनेली में भी पढ़े हैं ये, एक तो पढ़ाई है और मैंने आपको वो बोला था कि जब हम राइबोसोम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे देन आई लेट यू नो कि वट इट इज एंड वाई इट इज, ठीक है। तो दो तरीके के राइबोसोम्स हो गए, वो हो गए 70S एंड 80S। ये जो S लिखा हुआ है एंड में, दिस S इन टर्न डोनेट्स द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और इट इज द स्वेडबर्ग यूनिट।
अब ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या होती है, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ द सेडिमेंटेशन. अब सेडिमेंटेशन आपको पता होगा क्योंकि आप उसको अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में एज अ मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस की तरह यूज करते आए हो. तो उसी सेडिमेंटेशन मतलब जब आप इनको सेंट्रीफ्यूज करके सेपरेट करोगे तो किस स्पीड पे वो राइबोसोम बाहर आएगा या फिर सेपरेट होगा, उसको हमने बोला सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. और उसको डिनोट करने के लिए वी हैव दिस स्वेडबर्ग यूनिट विच इज लिस्टेड एज S. ठीक है, तो उसी के बेसिस पर राइबोसोम जो है वो दो तरीके से क्लासिफाई होगा. ये तो होगा राइबोसोम्स की क्लासिफिकेशन की बात. अब अगर इसमें हम ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जोड़ें तो हर एक मतलब दोनों राइबोसोम्स की अपनी अपनी अलग अलग लार्ज और स्मॉल सब यूनिट हैं, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन रेट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. क्या है वो आपको याद रखनी पड़ेंगी. सिंपल सा फंडामेंटल नहीं है कि आप कहोगे अरे इनको प्लस करके तो वो आ नहीं रहा, तो वैसा है भी नहीं, तो आएगा कैसे. तो दिस 70S राइबोसोम हैज 30S एंड 50S एज इट्स टू सब यूनिट्स. ऑब्वियसली 30S स्मॉल सब यूनिट हो गई, 50S लार्जर सब यूनिट हो गई. तो 30S और 50S 70S की दोनों सब यूनिट्स, 80S की सब यूनिट्स जो हैं दैट इज 40S एंड 60S. अब ये बात में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं लाना है आपको दिमाग में कि एडिशन करके इसमें ना ही 80 आ रहा है, इसको ऐड करके ना ही 70 आ रहा है. हाँ, कन्फ्यूजन ये हो सकता है 50 और 30 को ऐड करके 80 आ रहा है, तो आप उसकी स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स लिख सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्प्लिट दी लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ राइबोसोम, बिकॉज इट इज अ कन्फ्यूजिंग पार्ट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनेली. और बेसिस मैंने आपको बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट द टू सब यूनिट्स हैव बीन क्लासिफाइड. अब जरा याद कीजिए कि जो हमने अपनी लास्ट टाइम पे ऑर्गेनली पढ़ी थी प्लास्टिड्स, ठीक है, उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये 70S सब यूनिट ही प्रेजेंट थी राइबोसोम की. सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर 70S टाइप. दैट मीन्स द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनलीज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स कंटेन्स दिस 70S राइबोसोम. एंड दिस 70S राइबोसोम हैज अ स्पेशलाइज्ड कंडीशन दैट इट एग्जिस्ट इन द प्रोकैरियोट्स. That means एक और पॉइंट रिलेट हो रहा है, अच्छा पॉइंट है, ठीक है. आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स बिकॉज दे कंटेन्स, देखो ध्यान से सुनना, मैं दो बार बोल चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, दैट इज वाई दे आर फाउंड टू बी रिलेटेड इन रिस्पेक्ट टू दिस प्रोकैरियोट्स, बिकॉज राइबोसोम यूनिट आर similar. That is why these organelles are found to be existing, or they are actually found to be the prokaryotes which have engulfed during the evolution time in the eukaryotic cell. Details आपको evolution के chapter में अच्छे से समझ में आएंगी, तो उसको वहाँ के लिए छोड़ देते हैं. अभी जो हमें point पकड़ना है वो ये है कि 70S ribosome जो है वो prokaryote से associated है and it is found within the mitochondria and chloroplast that are the semi-autonomous organelles. ठीक है, ये point तो आपको 110% याद हो ही गया होगा क्योंकि एक ही लेक्चर में मैंने इसको कई बार रिपीट कर दिया, और रिपीट करने का जो मोटिव था वो भी यही कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अब कुछ और चीज़ें इसी राइबोसोम के बारे में बिफोर डिस्कसिंग इट्स स्पेशलाइज्ड फीचर, क्योंकि वो तो आप शायद अभी तक अपनी नोटबुक्स में लिख चुके हैं लेक्चर का आंसर, बट हाँ मैं बता दूंगी ये जो राइबोसोम्स हैं वो कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं. दीज राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. देखो फिर से अगर आपने वीडियो लेक्चर जो है वो पुराने अच्छे से वॉच किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर हाँ आपने वो लेक्चर मिस कर दिए दैट मीन्स यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल टिल नाउ, तो यू शुड डू दैट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू मिस नॉट मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक दैट. तो राइबोसोम्स कहाँ से बनते हैं, हमारे न्यूक्लियोलस से. हमने बोला था न्यूक्लियोलस आर दी फैक्ट्रीज ऑफ द राइबोसोम्स, दैट मीन्स दे आर सिंथेसाइज विद इन द न्यूक्लियोलस. और ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ RRNA एंड प्रोटीज विच आर टुगेदर नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स.
फॉर्मेशन भी एक अलग ही तरीके का होता है। जब आप डीएनए में ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस जब हम पूरा पढ़ेंगे, अपना जो जेनेटिक कोड का पूरा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, डू बिलीव मी। ठीक है, उसमें हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा कि आरएनए और प्रोटीन से मिलके जो हमारी ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बन रहे हैं वो कैसे, और राइबोसोम्स इतने स्पेशल क्यों होते हैं, क्यों वो उसके फंक्शन में इतना ज़्यादा उसको एक स्पेशलाइज ऑर्गेनेल का दर्जा दिया गया है सेल में, वो सब आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा। बट हाँ, बेसिक्स आपको यहीं से ग्रास्प करने पड़ेंगे। सो इट इज़ मेड अप ऑफ दिस आरआरएनए एंड प्रोटीन्स, टुगेदर दे आर नोन एज द राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस राइबोसोम्स दीज आरएनए मॉलिक्यूल्स अज्यूम अ स्पेशलाइज्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच इन टर्न आर असेंबल्ड टू गिव अ 3D स्ट्रक्चर टू द राइबोसोम। ये पॉइंट मैंने इसीलिए इतनी जल्दी में आपको बता दिया क्योंकि अगेन वो पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शायद अभी आपको ये ना पता हो कि आरएनए तो आपने सुना है, लेकिन अभी आरआरएनए, ये आरएनए से पहले ये छोटा वाला आर कहाँ से आ गया वो शायद अभी आपको क्लियर नहीं हो, तो उसको बात के लिए रखिए। आई विल मेक यू दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर इन योर माइंड, बट जस्ट वेट फॉर दैट the right time for me to give you the lecture on this। ठीक, चलो अब जब इतनी सारी बातें हो गई राइबोसोम्स के बारे में तो ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनली क्यों है। बिकॉज इट इज द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन मेक्स इट अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनली, बिकॉज proteins are the ultimate things which are or which have to do the functions in our body, be it any metabolic activity in the cell, it has to be performed by the protein। अब आप बोलोगे कि बहुत सारे functions ऐसे होते हैं जो proteins नहीं perform करते, जैसे enzymes हो गए, तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि enzymes are nothing but they are the protein molecules। ठीक है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन कैरी होती है डीएनए के थ्रू वो भी अल्टीमेटली प्रोटीन्स की सिंथेसिस पर ही एंड करती है। तो देयर आर लॉट मेनी पॉइंट विच हैव टू बी इंटरमिंगल्ड अमंग देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू मेक यू दिस वेरी पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर, बट येस यू हैव टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि दीज राइबोसोम्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज एंड दीज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनेल्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। द नंबर डिफर्स ऑन द बेसिस ऑन द टाइप differs on the basis of their sedimentation coefficient 70S and 80S। both of them have their unique properties। the subunit जो हमने ये दो subunits की बात करी है small और large, ये usually हमारे cell के अंदर dissociated form में ही रहती हैं। ठीक है, इनका एक साथ आना जरूरी होता है किस प्रोसेस में, अगेन ट्रांसलेशन प्रोसेस में। वो प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा, बट सही समय आने पर, और वो सही समय जल्दी आने वाला है क्योंकि हम ये सारे चैप्टर, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो लेने वाले हैं। सो जस्ट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम एंड टू फॉर मी टू डिस्कस दीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट फॉर नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। Do note it down in your notebook so that you cannot forget these particular things, and yes, if you have any doubts I am there to solve all your queries, but for that you have to choose any one of the option, then only I will be able to get your doubts and also to answer them at the same point of time। Okay, I think I have made each and everything clear in this, let me just check it out। Yes, I have made everything clear, so we will meet in our next lecture with yet another organelle, or अब धीरे धीरे करके ऑर्गेनेल्स वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। फॉर दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड एट आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।